नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए जून मास 2022 कैसा रहने वाला है। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं, वो ही सत्य जानकारियां लेकर आते हैं जो किसी भी राशि के साथ, चाहे वार्षिक, मासिक या साप्ताहिक या दैनिक जो भी घटना घटित होती है, चाहे वो शुभ हो या शुभ हो, उसी पर चर्चा करते हैं। और जिन कार्यों के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं तो उनके बारे में आप समझ लेना कि वो जिस स्थिति में इस वक्त चल रहे हैं वो इसी तरीका से चलते रहेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं एक जानकारी आपको और दे देना चाहता हूं। यदि आप जीवन से जुड़ी हुई हर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य भविष्यवाणियां प्राप्त करना चाहते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जीवन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है पंडित राजगुरु शर्मा। उस पर आपको जीवन से जुड़ी हुई 12 राशियों के बारे में सत्य जानकारियां प्राप्त होंगी। तो साथियों, अब बात करते हैं। वैसे तो मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए जून मास 2022 40% ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि जून मास 2022 में मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के साथ जो टोटल घटनाएं हैं वो 16 घटित होने वाली हैं, जिनमें से 9 घटनाएं अशुभ घटित होंगी और 7 घटनाएं शुभ घटित होंगी। यानी कि मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के जून मास 2022 में 7 कार्य बनेंगे तो 9 कार्य बिगड़ेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं ऐसे कौन से 9 अशुभ कार्य हैं जो जून मास 2022 में मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के साथ घटित होने वाले हैं। नंबर 1, कई कार्य बनते बनते बिगड़ सकते हैं। नंबर 2, राज्य पक्ष संबंधित कार्यों में रुकावटें आएंगी। नंबर 3, टैक्स संबंधित परेशानियां आपको परेशान करेंगी, चाहे किराया हो, ब्याज हो, गाड़ी की किस्त हो, लोन हो, या किसी के प्रति आपको कर्जे का दंड भरना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। नंबर 4, ज्यादा भागदौड़ के कारण अचानक आपका स्वास्थ्य खराब होगा, जिसकी वजह से आपको बुखार, नेत्र विकार, पेट के रोग, अन्य आदि छोटे मोटे रोग आपको परेशान कर सकते हैं। नंबर 5, शेयर बाजारों से आपको हानि उठानी पड़ेगी। नंबर 6, यदि आपके पिताजी हैं तो आपका पिताजी का स्वास्थ्य भी अचानक खराब होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी और आपका धन भी खर्च होगा। नंबर 7, वाहन संबंधित खर्चा बढ़ेगा, चाहे आपका वाहन खराब हो जाए या पुराना या नया ले सकते हैं, किसी ना किसी रूप में आपको वाहन के प्रति धन का खर्च करना पड़ेगा। नंबर 8, किसी स्त्री की वजह से आपको चिंताओं का सामना करने पड़े आपको चिंताओं का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका मन दुखित रहेगा और आपको मानसिक तनाव सताएगा। नंबर 9, यदि मिथुन राशि के जातक जातिका नौकरी करते हैं, चाहे नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी हो, जून मास 2022 में नौकरी के प्रति, नौकरी से जुड़ी समस्याओं का, तनावों का सामना करना पड़ेगा। ये 9 अशुभ संकेत मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के साथ जून मास 2022 में घटित होंगे। तो ऐसे कौन से वो 7 शुभ संकेत हैं जो जून मास 2022 में मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के साथ घटित होने वाले हैं। नंबर 1, कार्य क्षेत्र में सफलताएं तो मिलेंगी, लेकिन कठिन परिश्रम और संघर्ष करने के बाद, कई समस्याओं का सामना करने के बाद, आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपार सफलताएं प्राप्त होंगी और धन का लाभ भी होता रहेगा। नंबर 2, सबसे अच्छी शुभ बात यह है कि जून मास 2022 में मिथुन राशि के जातक जातिकाओं को कई जगह से धन का लाभ होने का संकेत बन रहा है, जिसके कारण आपके कई बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। नंबर 3, जून मास 2022 में कई यात्राएं करनी पड़ सकती है, चाहे वो व्यावसायिक यात्राएं हो, चाहे वो धार्मिक यात्राएं हो, वो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। नंबर 4, यदि आपकी संतान है तो उसके भाग्य का सितारा बुलंद होगा, यदि वो किसी कार्य के लिए प्रयास कर रहा है उसमें उसको सफलता मिलेगी। और यदि मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो उनको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हो सकता है, कोई खुशखबरी संतान के प्रति मिल सकती है। नंबर 5, जो मिथुन राशि के जातक जातिकाएं कृषि, भूमि, लोहा, चमड़ा, बौद्धिक कार्यों से जुड़े हैं, किराए, ब्याज के कार्यों से जुड़े हैं, आयात निर्यात के साधनों से जुड़े हैं, लेखन प्रकाशन के कार्यों से जुड़े हैं, गीत संगीत, गायन वादन, खेल कूद व्यायाम से जुड़े हैं, इन सभी में जून मास 2022 में अच्छा खासा धन लाभ होगा और आपके कार्य में प्रगति होगी। नंबर 7, यदि मिथुन राशि के जातक जातिकाएं
तरल सुगंधित पदार्थों का व्यवसाय करते हैं तो उनमें भी आशा से ज्यादा धन का लाभ होगा और खूब तरक्की मिलेगी, खूब धन की बढ़ोतरी होगी। ये सात शुभ संकेत मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के साथ जून माह 2022 में घटित होंगे, यानी कि मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के साथ कार्य बनेंगे। लेकिन जून मास की कुछ तारीखें मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए कष्ट भरी रहेंगी, उनमें थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें। वो तारीखें कौन कौन सी है उनको आप लिख लीजिए या फिर उनको याद कर लीजिए। 4, 9, 17 और 27 ये जून मास की मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए कष्ट भरी रहेंगी। इन तारीखों में जितना हो सके संयम बरतें और बिना सोचे समझे कोई भी कार्य न करें। मिथुन राशि वाले जितना हो सके दयादान पुण्य करते रहें, माता पिता का सम्मान करते रहें, बहन बेटियों का सम्मान करें, जरूरतमंदों का जितना हो सके सहयोग करें, उनकी सहायता करें। ऐसा करने से मिथुन राशि के जातक जातिकाओं को आने वाले संकटों से राहत मिलेगी और जीवन खुशहाल बनेगा। मित्रों, ये था मिथुन राशि के जातक जातिकाओं का जून मास 2022 का बिल्कुल सत्य और सटीक राशिफल। मित्रों, हम ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं और ना ही अपना बर्बाद करते हैं, सिर्फ जो सत्य घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली है उसी पर हम चर्चा करते हैं, उतना ही आपका समय हम लेते हैं। तो साथियों, यदि आपको हमारा बताया हुआ राशिफल सत्य लगे, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि कोई भी भाई बहन अपनी जन्म कुंडली हस्तक रेखा मस्तक रेखा दिखवाना चाहता है या फिर अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहता है या जीवन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का समाधान करवाना चाहता है, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम विधि विधान और विश्वास के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपको समस्त जानकारियां विस्तार से सत्यापित देंगे। तो साथियों, यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।